हाड़ कपाने वाली ठंड और जानलेवा शीतलहरी ने घने कोहरे की चादर के साथ पिछले कई दिनों से समूचे उत्तर प्रदेश के सामान्य जनजीवन को ठपसा कर रखा है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले में प्रवास कर रहे कल्पवासी और संत महात्मा इससे बेखौफ हो अपनी तपश्चर्या में तल्लीन है। उनकी नियमित दिनचर्या और धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रकृति का यह व्यवधान बेअसर सा है। संगम समेत गंगा के विभिन्न स्नान घाटों पर स्नानार्थियों के पूजा पाठ के लिए अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तीर्थ पुरोहित गंगा में घुटने तक ठंडे पानी के अंदर घंटों खड़े होकर माला फूल दूध और अन्य पूजन सामग्री बेचने वाले छोटे छोटे बच्चे तथा व्यवस्था में लगा सरकारी अमला एवं पुलिस के जवानों का भी यह शीतलहरी कुछ नहीं कर पा रही है। सभी अपने काम में मुस्तैदी से तैनात है। शायद कातिल ठंड तंबुओं की नगरी में आमद कराने से पहले ही थिथक गई है अथवा यहाँ पहुँचकर आस्था के सामने वह भी नतमस्तक है।